हम इनकी फिक्रमंदियों के लिए इनके बहुत ममनून और मशकूर हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि जिन लोगों के बाजुओं में जोर होता है वही वजन उठाने का हुनर भी जानते हैं। ये आवाज थी टेलीविजन और रेडियो के मारूफ फनकार शफी मोहम्मद शाह की। शाह जी के नाम से मारूफ शफी मोहम्मद शाह यकम जनवरी 1949 को सिंध के जिले नौशेरफरोज के शहर कंडियारों में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम हैदराबाद से हासिल करने के बाद जामिया सिंध से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपने फनी कैरियर का आगाज हैदराबाद रेडियो स्टेशन से रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर किया। उन्होंने 1960 की दहाई में रेडियो से नशर होने वाले ड्रामों में हिस्सा लेकर अपनी अदाकारी की सलाहियतों को मुतारिफ कराया। अपने फनी कैरियर को मजीद तरक्की देने के लिए बाद में वो कराची मुंतकिल हो गए और बाकायदा तौर पर बतौर अदाकार अपने फनी कैरियर का आगाज किया। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के हिदायतकार शहजाद खलील के ड्रामे उड़ता आसमान से अपने फन का आगाज किया। ताहम शफी मोहम्मद शाह ड्रामा तीसरा किनारा में अदाकारी के बाद फन की बुलंदियों पर पहुंच गए और उनका नाम ज़दे आम हो गया। शफी मोहम्मद शाह के मशहूर ड्रामों में चांद गिरन, बन गुलाब, नूर जाम तमाची, मोहब्बत, ख्वाब की सूरत और दीगर ड्रामे शामिल थे। आप हमेशा आम सी बात करते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि जो मकान आपका है उस पर ये सारी बातें सचती नहीं। आखिर हुआ क्या है? फोन आया था किसी साहब और वो वाकई एक साहब थे। शफी मोहम्मद शाह ने रेडियो थिएटर से लेकर फिल्मों और टेलीविजन तक तफरी के तमाम जराये में अदाकारी की। अपने 30 साल कैरियर के दौरान उन्होंने उर्दू और सिंधी जबानों में 500 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शफी मोहम्मद शाह 17 नवंबर 2007 को जिगर के आरजे के बाइस कराची के इलाके क्लिफ्टन में अपने घर में दुनिया फानी से कूच कर गए, लेकिन फन की दुनिया में उनका नाम और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।